श्री राम पंडित जी समय खड़े हैं कनक भवन के दरवाजे, जिसे कहते हैं कनक भवन दरवाजे, पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। मैं अभी इस समय थोड़ी देर पहले रामलला की जन्मभूमि उस पावन स्थान का दर्शन करके आया हूँ, जहाँ पर आने के लिए हर सनातन धर्मी को आना ही पड़ेगा, एक न एक दिन आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री राम इस भारत की आत्मा है। मैं बोलूँगा न सिर्फ भारत की आत्मा है, बल्कि पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है भगवान श्री राम। आप अगर अयोध्या आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर मोबाइल, पेन, घड़ी, बैग वगैरह कुछ भी आपको अभी समय ले जाने के लिए आप प्रतिबंधित है, आप कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते हैं, उन्हें आप बाहर लॉकर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से दर्शन करें, और हमने उस जो भव्य रामलला का जो दरबार, जो मंदिर बन रहा है, उसको देखते ही आपका सीना फूल जाएगा। उसके बाद में जो प्राचीन भगवान की रामलला की जो मूर्तियाँ थी, उस मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। पर सबसे खास जो चीज़ आपको यहाँ पर, अगर आप आ रहे हैं तो जो आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो करनी है, वो है वहाँ पर जो पूरा अवशेष जो निकले हैं, पूरा महत्व की जो वस्तुएँ, जो पिलर, जो कमल के पुष्प, जो शिलालेख, जो अलंकार किए हुए पत्थर के स्ट्रक्चर्स आपको जहाँ पर देखने को मिलते हैं, उन्हें आप अवश्य देखिएगा। मेरे हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, उन्हें जब आप देखेंगे एक मिनट के लिए, आप अपनी आँख बंद करके उन्हें देखिएगा, आंखों में से आंसू 100% आ जाएंगे। हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारा मंदिर, भगवान श्री राम का मंदिर, जिसे हमें प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है, इसका सारा क्रेडिट जाता है, सबको जाता ही है, जो जो भी इन्होंने इस स्थान के लिए अपना बलिदान दिया उनको जाता ही है। पर सबसे खास जो महत्व जाता है, वो जाता है मोदी जी को और योगी जी को। ये सारा का सारा श्रेय जो मिलने जा रहा है, वो उन्हें मिलने जा रहा है। प्रभु से प्रार्थना करें इनकी आयु 100, 200, 500 साल की, और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का वो गौरव, वो श्रेय भी उन्हें को जाना चाहिए। तो पुनः एक बारी इस समय मैं खड़ा हूँ कनक भवन पे, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो एक बारी कमेंट में लिख करके भेजिएगा, और सब लिखें भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपको और हमारे को सबको मेहनत करनी पड़ेगी, मोदी जी और योगी जी कुछ नहीं करेंगे, आप और हम सब, हमें जागृत होना है, तब इस देश का उद्धार होना है। जय पुष्कराज की, जय श्री नारायण, जय श्री राम।